प्रदेश में भाई बहन के अटूट प्रेम भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई के लिए उनके मनपसंद का पकवान बनाती हैं और बनाकर लाती हैं, बड़े प्रेम के साथ उन्हें खिलाती हैं, उनको तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। देखिए रिपोर्ट। सुन रही है, व्रत रख रही है और विशेष पूजा अर्चना कर रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से जो बहनें हैं आज भाई की लंबी दुआ के साथ साथ, लंबी उम्र की दुआ के साथ साथ उनके लिए जो उनकी मनपसंद के पकवान है वो बना के लाई है, और किस प्रकार से जो बहनों द्वारा इनको जो भोजन करवाया जा रहा है, किस प्रकार से इनकी लंबी आयु की कामना यहाँ पर की जा रही है। कुछ बहनें हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं, किस प्रकार से वो लोग आज भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं। भाई दूज का त्यौहार है, सबसे बड़ा दिन आपके लिए माना जा रहा है, किस प्रकार से त्यौहार मना रहे हैं? आज देख भाई बहन का त्यौहार है, बहुत अच्छे से मनाए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, और भी जो बहने हैं हमारे साथ जुड़ी हुई उनसे भी बातचीत करते हैं। आज भाई बहन का भाई दूज का त्यौहार है, क्या विशेष मान्यता आज के दिन रहती है? बहनों द्वारा व्रत रखा जाता है, कहानी सुनी जाती है। आज भाई दूज का पर्व है, इस दिन भाइयों के लिए हम फास्ट रखते हैं और उनके लिए मनपसंद का खाना वगैरह बनाया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, व्रत रखते हैं, खाने सुनते हैं और उनके लिए खाना वगैरह बनाकर उनको खुशी से खिलाते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं, बस यही खुशी से हम फेस्टिवल बनाते हैं। बिल्कुल धूमधाम से जो भाई दूज के पर्व पर आज बहनों द्वारा जो भाई की लंबी उम्र है उसके लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से जो बहनें हैं भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है, किस प्रकार से इन्होंने जो पूजन की सामग्री बनाई है वो आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे बनाई गई है। कुछ बहनें उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई दूज का पर्व आज मनाया जा रहा है, किस प्रकार से आज पर्व मना रहे हो, पूजा अर्चना के लिए आपने व्यवस्था की है कि किस प्रकार की क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि इसकी मतलब ये बनाने से है ना भाई की उम्र बढ़ती है, और जैसे तालाब भरा हुआ है वैसे भाई का घर का भाई का घर है ना खुशियों से भरा रहे, और इस तालाब के लास्ट में जब इस तालाब को ऐसे पानी को लेके जाते हैं तो भाई उसके अनुसार जितनी लंबी दूर तक पानी जाता है भाई की उतनी ज्यादा लंबी उम्र होती है, और इसी मान्यता से ये किया जाता है कि भाई के घर खुशी भाई का घर खुशियों से भरा रहे और उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से खुशहाल रहे और उनकी लंबी आयु हो। बिल्कुल, बहनों की मान्यता यही है कि जिस प्रकार से तालाब में पानी भरा रहता है उस प्रकार से भाई के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और जिस प्रकार से इसको जितना लंबा करते हैं उतनी ही भाई की लंबी उम्र होती है। ऐसी मान्यता के साथ जो बहने हैं भाई की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा अर्चना बहनों द्वारा की जा रही है। भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मना रहे हैं, किस प्रकार एंजॉय कर रहे हो? हम भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और उनकी मनपसंद का भोजन बनाकर उनको खिलाते हैं, और उनको खाने के बाद ही बहनें अपना व्रत तोड़ती है और खाने सुनती है, और बहनें गोबर से गोला बनाकर उसमें पानी डालकर उसको जितना लंबा खींचा जाता है उतनी ही भाई की लंबी उम्र होती है, और उनको उनसे रुई से जो बनाकर उनके भाइयों के लिए बनाते हैं, पर जितने भाई होते हैं उतने ही गोले बनाकर उनको गोबर से जो बिल्कुल जो भाई दूज का त्यौहार है बहनों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगातार जो बहनें हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कहानी सुनती है, व्रत रखती है, साथ ही जो भाई के लिए जो उनकी मनपसंद के पकवान बनाए जाते हैं तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना यहाँ पर बहनों द्वारा की जाती है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज़।